आप सब आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो खाना वगैरह बन गया है और मैं दोबारा नहा के भी आ गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पूरा काम ख़त्म करते बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। और ये देखिए सब कोई खाना वगैरह खा लिया है, अब फ्री टाइम में बनाऊँगी मैं इस आम की टॉफ़ी। जो बच्चे ये केक टॉफ़ी के लिए भागते रहते हैं ना, वही मैं बनाने वाली हूँ इस आम से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बातों से नहीं काम होगा, काम करने से होगा भैया, ठीक है? तो स्टार्ट करें। हैं दो आम और इसको काट लिए छिलके, और लेंगे मिक्सर जार और इसमें सारे आम को डाल देंगे, और थोड़ी सी डालेंगे सौंफ आधा चम्मच, और डाल देंगे इसमें पानी 3-4 चम्मच, और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो हमें इसका जूस तैयार करना है, और जूस देखिए बढ़िया हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है। अब इसे बड़ा बर्तन लेके छन्नी से छान के और गिलास में डाल देंगे। तो आज कांच के गिलास में ही डालिएगा, ताकि पता चले कि जूस हमारा बैठ गया है, जो गाढ़ा है हमें नहीं चाहिए। तो ये चीनी लिए 1 कटोरी, और इसमें डाल देंगे आधा कटोरी पानी। तो इसका हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो चाशनी हमारी बन रही है, तो जूस के बारे में मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो ये देखिए चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो रही है। तो हमें बिल्कुल एक तार की चाशनी बनानी है, मतलब जितनी गाढ़ी चाशनी होगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छे से इसे बनाएंगे। अब हम कांच के गिलास की बात कर रहे थे, तो कांच के गिलास में इसलिए ले रहे हैं कि ताकि दिखे कि मतलब जो गाढ़ा वाला है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो पानी हो ऊपर वो हमें चाहिए, ताकि हमारी जो टॉफ़ी है बिल्कुल शीशे की तरह चमकती हुई दिखे। तो ये ऊपर से हम चम्मच से निकाल लेते हैं, तो हमें ये पतली वाली जूस ही चाहिए। तो ये थोड़ा एक मतलब थोड़ा सा कम 1 कटोरी में है। तो कहते हैं ना एक, ये देखिए बिल्कुल हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम जो जूस निकाले हैं इसे हम इसमें डाल देंगे। तो जितना चीनी था उतना ही जूस हमारा आम का है, बराबर मात्रा में रहेगा, तो हमारी टॉफ़ी थोड़ी खट्टी मीठी रहेगी, ठीक है? और इसे कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उबलने लगते हैं, उबाल बहुत जल्दी आता है इसमें। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, और नहीं ये गिर जाएगा बाहर, ठीक है? तो इस तरह चलाइए, थोड़ा सा डालना है इसमें काला नमक, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। कलर डाल रहे हैं ये हरा वाला कलर है जो आता है फ्रूट कलर, तो फूड कलर मतलब कई आते हैं। तो इस तरह से मैं डाल दी हूँ, और देखिए प्यारा कलर आ चुका है। अब लगभग हमारा चाशनी ये मतलब टॉफी का मटेरियल जो हो चुका है, अब एक कटोरी में पानी लेंगे, इसमें 3-4 बूंद डाल देंगे, और देखेंगे कि मतलब ये हो गया है कि नहीं। तो जब ये टूटता है ना तो समझ लीजिए हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, और बिल्कुल देखिए कांच के फॉर्म में आ चुका है, ये बहुत अच्छे से ये हो चुका है, ठीक है? अभी हम सांचा ले रहे हैं, इसमें फटाफट ये सारी आम की जो मटेरियल है ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है? जो आम की चाशनी बन गई है, अब सारी टॉफ़ी हम निकाल देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कितने आसानी से बनके प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर टॉफ़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा बच्चों के लिए। और ये देखिए है ना सारे इसमें जैसे बिल्कुल हरे हैं, और देखने में बहुत प्यारे हैं। तो इस पॉलिथीन में लगा के और रख देंगे एक डब्बे में, और इसे बंद करके आप इसे कई महीने तक रख सकते हो, और बहुत एक दिन तक चलेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। तो ज़रूर इसे बनाइएगा। तो मैं कट कट करके दिखा रही हूँ आपको, ये देख लीजिए है ना हुई है ये, और बच्चे तो बिल्कुल ही खुश होने वाले हैं। तो इस तरह मैं पॉलिथीन में लगा के रख दी थी, ताकि ये बिल्कुल ऐसे ही बना रहे। अच्छा देखिए कितना प्यारा बनके तैयार हुआ है, और ज़रूर बच्चों को खिलाइएगा, और बहुत अच्छे लगते हैं। एक टॉफी के लिए हम सब छोटे थे तो ये दुकान पर भागते हुए जाते थे, याद है ना? तो वही है ये, और इस तरह स्टोर करके रख दो तो कई दिनों तक, मतलब कई दिनों में कई महीने तक ये चलने वाले हैं, तो बिल्कुल ख़राब वराब नहीं होगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं फटाफट बात करती हूँ, ये तो मेरा हो गया है, लोगों के साथ मैंने ये शेयर कर दी। और ये मेरे पास कुछ कपड़े हैं, तो इसका मैं बनाने वाली हूँ टोटली बैग, ठीक है? तो
पिछली बार अलग तरीके से बनाए थे, इस बार थोड़ा अलग बनाऊंगी, गोल में बनाऊंगी। पिछली बार वो मतलब थोड़ा सा चौकोर में बना हुआ था, तो पोटली बैग ही लेकिन चौकोर में था, इस बार मैं थोड़ी गोल में बनाऊंगी, ठीक है। और एक और है जो मुझे थोड़ा सा, एक बॉटल के आया था विंटर वाला बॉटल, उसका गत्ते का बनाने वाली हूँ कुछ, क्योंकि फ्रिज में रखना है उसे मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना तो फ्रिज में रख। और यहाँ पे ये विंटर वाटर वाला गत्ता था जो हमने लाए थे, एक दिन दिखाए थे आप लोगों को, तो इसका मैं बना देती हूँ एक ऑर्गेनाइजर, बहुत अच्छा सा ये बन के तैयार होगा। तो इसमें लगाऊंगी, पहले मैंने टेप लगा दिया है मजबूती के लिए, अब इसमें फेविकोल लगा के, ये कपड़ा है, कपड़ा थोड़ा हल्का है लेकिन हाँ बन जाएगा, कोई बात नहीं है। और इसमें कपड़े पर ना थोड़ा सा फेविकोल जो है ये बाहर आ जा रहा है, पर ये सूख जाएगा तो ये आराम से हो जाएगा। तो चारों तरफ से हमने इस तरह लगा दिया है, अब अंदर के साइड में भी फेविकोल लगा के अंदर के साइड में कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं फ्रेंड्स, और बहुत काम की चीज़ हैं। और ये हमने एक गत्ता लिया है, इस पर लगा दिए हैं पेपर, और इसे अंदर लगा देंगे ताकि इसमें मजबूती अच्छी आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी मजबूती इसमें आ चुकी है और बहुत अच्छे से ये फिट हो गया है। तो पीछे के साइड थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो एक कपड़ा मैंने लिया, इस पर फेविकोल लगा देंगे और इस तरह से अलग से चिपका देंगे इसे। और ये देखिए बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा इस तरह से इसे प्रेस कर दूँगी, और ये मैं ले पुराना लेस है तो मैंने ये रखा था, तो लगा दे रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा क्योंकि ये कपड़े भी बहुत हल्के हैं फ्रेंड्स। ये मैं क्या करूँगी ना, अभी तो मैं बना दे रही हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे नज़र में कोई प्यारा सा कपड़ा आएगा तो मैं इस पर दूसरा कपड़ा लगा दूँगी। फ़िलहाल तो अभी मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि कई चीज़ें हैं रखना जो मैं रखना चाहती हूँ इसमें। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बारी है, मैं बना रही हूँ पोटली बैग, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये कपड़े तो कम हैं, अच्छा सा हमारा छोटा सा पोटली बैग स्टार्ट होगा, बनके तैयार होगा। तो कपड़े की चौड़ाई हमारा है 8 इंच जो मेन कपड़ा है, और ये जो ऐसा वाला कपड़ा अस्तर वाला है इसे मैंने शॉर्टन कपड़ा ले लिया है, तो ये हमारा है 10 इंच, 2 इंच ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 इंच ऊपर के तरफ आ जाएंगे जहाँ हम डोरी लगाएंगे इसमें, तो इस तरह बराबर करके हम सिल दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि मतलब ये वाला कपड़ा बढ़ गया है, तो जहाँ हम डोरी लगाने वाले हैं पोटली बैग में, तो इस तरह से ये कपड़े बढ़ चुके हैं। तो यहाँ से पहले हम लगा देंगे 2 सिलाई, क्योंकि जब हम जिसमें डोरी लगाएंगे ना उसके लिए 2 सिलाई यहाँ पे लगा के तैयार कर देंगे। आप फ्रेंड्स बहुत आसानी से एक बार दो बार में ही सीख जाओगे, ऐसा नहीं है कि कई बार आप बनाओगे तो सीखोगे। अरे एक बार में फिनिशिंग नहीं बनेगा, दूसरी बार बनाओगे 100% बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये जो कपड़े के बार बार सूत निकल जाता है इसे मैं कटिंग करती रहती हूँ, और ये लेस लगाऊंगी, तो ये चौड़ा वाला लेस लगाऊंगी, और ये जो है पतला वाला है ना इसमें एक तरफ छोटी छोटी मोतियाँ हैं, तो इसमें सिर्फ मोतियाँ ही दिखने के लिए मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं रखूँगी एक के ऊपर एक, और जो पिंक वाला है वो मैं ढक दूंगी, वो नहीं दिखेगा, सिर्फ मोती दिखेगी। तो इस तरह से मैं लेस लगा दूंगी पहले, और देखिए लेस हमारा बिल्कुल, और दूसरी साइड भी मुझे ये पिंक वाला देख रहे हो, जो पिंक वाला नहीं चाहिए, सिर्फ मोती चाहिए, तो मोती मैं इस तरह से सेट करके और लगा दूंगी। तो थोड़ा सा तो सेट करने में और ये सेटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, बट हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे मैंने कर दी है सिलाई, अब ऊपर भी मैं सोच रही हूँ एक लगा देती हूँ, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न वही रहेगा, बस ये ऊपर लगा रही हूँ और नीचे लगा दिया था मैंने, बस यही रहेगा। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, है ना। अब हम इसे फोल्ड करके और साइड की सिलाई कर देंगे, साइड से 1-1 इंच सिल देंगे हम इधर छोड़ते हुए, क्योंकि हमें जो गोल वाला नीचे का पार्ट बनाया हमने उस पे बैठने के लिए ये काफ़ी होगा। और इसमें मैं लगा देती हूँ कपड़ा नीचे, और ये मैं पेस्टिंग पेपर ली हूँ, मैं पेस्टिंग पेपर रख के और कपड़े को गोल में कट कर दी थी, तो ये बहुत आसानी से पेस्टिंग पेपर पर हो जाता है, तो पेस्टिंग पेपर पर ही करिएगा। तो ये आराम से आप चाहो इसमें बकरम डाल सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइट रहता है ना तो अच्छा रहता है इसमें कई चीज़ रखने के लिए, ठीक है। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो रहा है, और ये हम साइड से कर देंगे सिलाई इसकी,
तो ये साइड वाली बिल्कुल सिलाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह गोल वाले पे रखेंगे और एक के गोल में सिलाई करते हुए चले जाएंगे। नाप सही रहेगा तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप ध्यान से नाप के ही इसे कटिंग करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कट करके और सिलते रहिए। ठीक है, और ये देखिए गोल में हमारी सिलाई बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हो कि मतलब कितने अच्छे से हमारा पोटली बैग तैयार हुआ और बहुत ही जल्दी हो भी गया। देखिए गोल में हमने सिल दिया, अब इसे सीधा करते हैं, सीधा करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स इग्नोर कीजिएगा, घर के बगल में हो रहा है काम, भाई पड़ोसी हैं उनको मना थोड़ी ना कर सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए मैं डोरियाँ लगा रही हूँ, जो मतलब डोरी लगाना है हमें, तो ये एक साइड से दूसरी साइड पे आ जाएंगे और इस साइड से करेंगे तो सिर्फ मतलब दोनों छोर एक ही साइड रहेगा, जो हम लटकन वगैरह लगाएंगे तो एक ही साइड में एक डोरी का रहेगा, ताकि तभी हम, अब देखिए दोनों का एक मुँह हो गया है ना, एक ही तरफ दोनों छोर चला गया है, अब इधर वाला भी हम इस तरफ से डालना स्टार्ट करेंगे और इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप पूरा घुमाते हुए इस तरफ हम ले आएंगे। आप इसे सुई के मदद से कर सकते हो, ये बड़ा सुआ आता है उससे भी हो जाता है, तो बहुत आसानी से उससे हो जाता है। ये पतली वाली ही सुई से हो जा रहा है, धागा लगा लीजिए, उसको धागा में लपेट के और फटाफट इसे हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कपड़ों से कई काम हो जाते हैं। आप देखिए हमारी डोरी बन के तैयार हुई है, बहुत सुंदर सी पोटली बैग हमारी बन गई है और बिल्कुल कम कपड़े थे ये, मैंने कहा जैसे इसे मतलब वैसे तो होना चाहिए 10 इंच कपड़ा, लेकिन ये सिर्फ 8 इंच चौड़ा कपड़ा था और 18 इंच लंबा था, इसलिए ये हो गया हमारा पोटली बैग बन के तैयार। ठीक है, और ये देखिए इतने कम कपड़े में मतलब चीज़ें बन जाते हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इसके नाम पे ज़रूर एक लाइक बनता है। तो ये देखिए तीनों चीज़ें हमारे बिल्कुल तैयार, और मसाले वाले जो मैंने बनाया था, तो मैंने कहा था ना पोट जो मसाले आते हैं पाउच में आते हैं पैकेट में आते हैं, इस तरह जब खुल जाता है तो इस तरह रखा है, तो काफ़ी टाइम से मेरा बहुत इधर उधर हो रहा था, तो मैं सोच रही थी चलो बनाऊंगी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़, अगर अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें सीख मिलेगी। आज का काम यहाँ ये हो चुका है जो मैंने कहा था ना, तो ये मैं बना दी हूँ और अच्छा बना है काफ़ी, मतलब ख़राब नहीं है, बट इसके थोड़े कपड़े हल्के थे, और जब मेरे नज़र में ना कोई अच्छा कपड़ा आएगा तो मैं इसके ऊपर से एक कपड़ा कुछ और लगा दूँगी। फिलहाल तो आज के लिए मैंने बना दी, अब इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं इसमें मसाले वाले जो पैकेट आते हैं ना वो रखने वाली हूँ, क्योंकि जब मसाले के पैकेट एक बार खोल देते हैं तो बार बार इधर उधर गिरता है, उसको हमेशा संभालना पड़ता है, तो ये इसमें मैं वही इसीलिए, और ये लगा दी हूँ, इसमें छोटे छोटे जो पाउच आते हैं, कभी कभी होता है नहीं मिला तो पाउच आ गया, तो इस तरह से, तो ये मैं फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में मसाले रखने से या कोई भी चीज़ फ्रिज में रख दो तो सालों साल आपका बिल्कुल ऐसे कैसे बने रहते हैं, और बहुत अच्छे से मतलब कुछ भी नहीं, ना कोई कीड़े पड़ते हैं ना कुछ भी होता है, तो बहुत अच्छा रहता है, तो ज़रूर फ्रिज में ही रखना चाहिए। और अगर आप फ्रिज खरीदने वाले हैं तो आप बड़ा वाला ही फ्रिज खरीदिए, बहुत काम की चीज़ है फ्रिज। ठीक है, और ये तो रहा, और ये तो मैंने दिखाया ही, तो बन के तैयार हो गया है कैंडी, और आज का ये था पोटली बैग जो ये मैंने बनाया है, आज बचे हुए कपड़े से ही है, इसमें मैंने कोई खर्च नहीं किया है, और ये लेस जो हमारी है ना ये चुन्नी में लगा हुआ था लेस, तो चुन्नी पुरानी हो गई थी तो मैंने निकाल के इसे रख दिया था, तो ये उसी का है लेस जो लगाया हमने, मतलब इसमें हमने जो किया है सिर्फ मेहनत ही करे हैं, 1-2 घंटा जो भी लगा इसमें बनाने में, बाकी इसमें मेरा कोई एक पैसा खर्च नहीं हुआ। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम समेट के रखते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, तो ये कपड़े जो हमारे थे ये मतलब जो भगवान जी के लिए हमने वो लाए थे ना आसन का कपड़ा, तो ये मोटा था, थोड़ा सा ये बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अच्छा इसको अब इतना थोड़ा का क्या करेंगे, तो मैंने सोचा चलो अच्छा बना देती हूँ। ठाकुर जी का आसन बनाना, लेकिन उनके लिए पीला चाहिए होता है ज़्यादातर, तो उनका मैं अलग से ले आऊँगी, है तो आप बताओगे तो मैं उसे सुधार दूँगी। ठीक है, इसका ये चीज़ मुझे थोड़ा सा है गड़बड़,
ये कपड़ा बहुत टाइट है, मैं सोच रही हूँ कोई सॉफ्ट कपड़ा इस तरह का मिले, या फिर अगर नहीं मिला तो मैं इसको मार्केट से जो लटकन होता है वो लेके आके लगा दूंगी इसमें, क्योंकि ये कपड़े जब मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो ये जो ऐसे देखो टंगा रहता है, बस खड़ा खड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, इसे लटकना चाहिए दोनों तरफ, है कि नहीं? तो इस तरह ये ठीक। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड हो रहा है, कल कल के ब्लॉग में वापस से मिलेंगे।